हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम 13वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक लेंगे। आज का जो एपिसोड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं दो श्लोक ले रहा हूँ, ये समझ की दृष्टि से, आध्यात्मिक समझ की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि ये श्लोक है। और इन दो श्लोकों के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड को, पूरी ईश्वरीय व्यवस्था को समझ सकते हैं। और योगिक साइंस में भी जो हम जिन तीन सिद्धांतों की बात करते हैं, जो शाश्वत सिद्धांत हैं, तो वो शाश्वत सिद्धांत भी इनके माध्यम से समझे जा सकते हैं। मीन्स ये अपने आप में कंप्लीट है। तो सबसे पहले मैं उन दोनों श्लोकों को पढ़ूंगा और उसके बाद शर्मा जी से ये अनुरोध करूँगा कि हिंदी में उनकी उसकी व्याख्या करेंगे योगिक साइंस के माध्यम से और अपने अनुभवों के आधार पर। उसके बाद फिर मैं इसको इंग्लिश में सारी चीज़ों को फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों के दर्शक इसको समझ सकें। तो सबसे पहले मैं श्लोक को पढ़ता हूँ। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले मैं एक बार संस्कृत में पढ़ देता हूँ। 19वां श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य यनादि उपाव उभावपि विकाराश्चम गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 20वां श्लोक है, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुखुद खानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यानी प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जिसका कोई जो अनादि है, मीन शाश्वत है। और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो मूल बात भगवान ने कही है वह है पुरुष और प्रकृति। जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको हम दो सिद्धांतों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक से जो मूल है, मूल एक है, उससे तो ब्रह्मांड पूरा समझ में नहीं आएगा। इस एक में जो दो कल्पित हुई है, दो चीजें कल्पना में है, प्रकृति और पुरुष। योगिक साइंस के माध्यम से हम ये कहते आ रहे हैं कि जो चेतन शक्ति है, जो परमात्मा है और प्रकृति, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष। जो प्योर चेतन है उसको पुरुष कह रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। भगवान कह रहे दोनों ही इटर्नल है, कोई समय में आबद्ध नहीं है, समय और स्थान में। समय और स्थान को इन दोनों का ही प्रभाव इनके ऊपर नहीं है, प्रकृति और पुरुष पे। और विकारों को तथा गुणों को, जो भी गुण, जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, वो सारे प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। हमने योगिक साइंस के माध्यम से भी पहले कहा है कि जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि के अंदर जो कुछ भी, जो भी प्रपंच है, जो भी उत्पत्ति है, स्थिति है, लय है, सारी चीजें प्रकृति में ही होती हैं। तो भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे विकारों को और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। फिर आगे कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में, अब पूरे प्रकृति में करण कौन कौन सी है? प्रकृति में साकार है, निराकार है और जीव है, बहुत सारे अनगिनत जीव है। तो ये तीन कर्ण बन गए और इन तीन कर्णों के सहायता से सारे कार्य, सारी रचना, सब कुछ हो रही है। तो ये तो इसका जो हेतु प्रकृति है, प्रकृति के अंदर ये जो तीन कर्ण है तो वो सारे कार्य और क्रियाओं को उत्पन्न कर रही है। फिर अंतिम बात,
सुख दुखों के भोक्तापन में, जो भोक्तापन है, जो जिसको सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, उसमें पुरुष हेतु कहा जाता है। हेतु का मतलब सिर्फ माध्यम, निमित्त। तो भोक्तापन का जो निमित्त कारण है वो पुरुष है, और जो भी कार्य और क्रियाएं हो रही हैं प्रकृति के अंदर, उसका जो हेतु है, उसका जो कारण है, वो प्रकृति है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा शर्मा जी से कि हिंदी में इसको और भी गहराई से इसकी व्याख्या करें। हाँ जी, इसमें योगिक साइंस के आधार पर अगर हम इसमें दृष्टि डालें दोनों श्लोकों पे, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं श्लोकों में कि प्रकृति और पुरुष ये दो स्थिति अनादि हैं। अनादि स्थिति इसलिए कही गई, योगी साइंस में भी हम बहुत पहले बता चुके कि अनादि का मतलब यह है कि जो स्वरूप है जिसे ये कहते हैं, ये उसके दो अभिन्न अंग हैं और जैसा है वैसा वो कर रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो इसलिए इसमें ये चीज इन दोनों श्लोकों में जो स्पष्टता है वो ये बताई जा रही है कि जो पुरुष है वो प्रकृति से बाहर है, अर्थात परमात्मा जो है प्रकृति से बाहर है, ये हम पहले बता चुके हैं। मगर ये परमात्मा प्रकृति में मौजूद नहीं है, वहां पर वो है नहीं। मगर जो परमात्मा की बाहर, जिसे हम एनर्जी हम कह रहे हैं कि वो एक बाहर परमात्मा एनर्जी जो राउंड ले रहा है, उसकी चार चार प्रकार की एनर्जी इस ब्रह्मांड में है। तो वो एक एनर्जी है गति, कि वो नीचे गिरता है तो गति, दूसरा वो प्रकाश उसमें होता है गति की वजह से, इसलिए प्रकाश, इसी बात उसमें गति उसकी सामान्य और धीरे और तेज है, इसलिए उसमें पावर शक्ति, और उसके उसके अंदर एक गति होने से एक शब्द हूं का गुंजार रहा है। तो वो जो शब्द उसके अंदर ओम ओम कहते हैं, मगर ओम जैसा ओम भी नहीं है, ओम नहीं है मगर एक शब्द है। तो वो शब्द जो है वो उसमें उत्पन्न हो रहा है। इन चारों जो ये चारों एनर्जी हैं ये इस ब्रह्मांड में, और या ये कि एक अंडे में जिसको अनादि बोल रहे हैं ब्रह्मांड, इसलिए उसको एक अंडे को भी ब्रह्मांड कहेंगे, और एक अंडे को जो सिंगल पीस उसको भी हम अंडा कहते हैं जो अनादि है, या किसी यूनिट को कहेंगे, या किसी ग्रह को कहेंगे, या किसी सौरमंडल को कहेंगे, किसी भी बड़ी यूनिट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी यूनिट को हम उनकी अपनी एक सर्किल है, और उनमें एक परमात्मा के बाहरी तरीके से उनमें ये सब चारों चीजें मौजूद हैं। तो ये चीजें योगिक साइंस में बता चुके हैं, और गीता योगिक साइंस के माध्यम से बिल्कुल फिट, और गीता के और योगिक साइंस बिल्कुल समानांतर चल रहे हैं। ये तो ये चीज जो बता रहे हैं, तो इसमें कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि वो प्रकृति में कारण और करण, तो इसमें कारण और करण, जब तक कोई चीज कोई मटेरियल नहीं होगा, तो अगर हम किसी चीज का निर्माण करना चाहें तो कर नहीं पाए, अगर मटेरियल भी है और हम निर्माण भी करना चाहें तो निर्माण नहीं कर पाए, क्योंकि निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो निर्माण करेगा उसे केंद्रित होना पड़ेगा, अर्थात जीव चाहिए। तो जैसे ही जीव चाहिए, तो जीव की अपनी क्षमता इतनी नहीं है कि वो किसी भी अंडे के अंदर की या ब्रह्मांड के अंदर की या किसी यूनिट के अंदर की चीज को वो जीव उसको उसका कारण, करण तो है मगर वो कारण, उसका कारण कोई चीज बना डाले, बना नहीं पा, बना नहीं सकता जीव। तो जीव जब वो चीज को बना नहीं सकता है तो ये उसको बनाने में असमर्थ है, तब वो बाहर वाली चारों चीजों की एनर्जी लेता है, जीव केंद्रित है इसलिए ले रहा है, और उससे वो ये अपना इस जगत में माल जो उसका रिक्त है और जो उसका मटेरियल है जिसे हम तरल बता चुके हैं, इनको दोनों को लेकर के, और वो एक किसी चीज को अपने को विकसित कर लेता है, अपने को विकसित बताता है, इसका अनुभव करता है, फिर वो विकसित होने से उसका एक इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस यूनिट में, या इस अंडे में, या इस ग्रह में, या इस सौरमंडल में, उसे ये कैसा लगता है तुलनात्मक की वजह से कि मैं प्रभावशाली। तो प्रभावशाली होना और विकसित होना
ये जो दो चीजें हैं ये जगत को हमेशा डेवलपमेंट के में रनिंग में रखती हैं। परमात्मा मौजूद है, इसकी शक्ति है, ये अपने को जानना है, ये भगवान ये कहने में चले थे, मगर जीव नहीं चाहता, जीव नहीं चाहता कि मैं परमात्मा के चक्कर में पढ़ूं और मैं गीता के और योगी सांस के चक्कर में पढ़ूं, ये बिल्कुल चाहता ही नहीं, इसे कोई मतलब नहीं, ये बेकार की चीजें सब चीजें हैं। हमें तो विकसित होना है और हमें अपना प्रभाव दिखाना है, तो जब प्रभाव है हमारे पास है तो हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं, ये जीव का अनुभव है। इसलिए जन्म मरण होकर के और नेचर जो है ना हमेशा बदलती रहती है, लंबे समय में बदले या अल्पकाल में बदले, बदलती रहती है, तो सबकी अपने अपने बदलने के ढंग हैं और सब खुश हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जीव यहाँ पे बहुत, अब वो जब ये कह रहे हैं कि दुखी हो, मगर जब वो ये कहते हैं कि दुख सुख का अनुभव मैं करता हूं, तो ये चीज जब आती है तो ये चीज पुरुष अपने तरफ ले लेता है, क्योंकि उसने जो चार चीजें भेजी थी जिसकी वजह से वहां बनी, तो उस तरंग से वो चीज बनी और उसमें जो विकार आया, उस विकार का जो दुख आया, वो तरंग के माध्यम से वो उस परमात्मा के जो बाहर परमात्मा बैठा है उन चारों चीजों के माध्यम से वो उसमें जाके प्रभावित हुआ, तभी वो ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि ये सुख दुख का जो है वो मैं उसको अनुभव करता हूं। तो सुख दुख का परमात्मा को ही अनुभव होता है। जैसे समझ लो कि मैं जिंदा हूं, मेरे से चारों चीजें हैं, मेरे अंदर गति भी है, मैं चल के आया हूं, मेरे अंदर शक्ति भी है, मैं बैठा हूं, खड़ा भी हो सकता हूं, मेरे अंदर शब्द है, मैं बोल रहा हूं, और मेरे अंदर प्रकाश है। अगर मेरे अंदर प्रकाश नहीं होता तो मेरा ये तेज, जो जिसे तेज हम बोल रहे हैं, तो वो हमारा तेज ये शब्द नहीं होते, तो इस प्रकार के ये शब्द है, तो तेज शब्द प्रकाश की वजह से, तो ये जब चीजें चारों हैं, मगर अगर ये चीजें परमात्मा की वजह से अगर ये वहां पे सुख दुख का निमित्त बन रही हैं, तो आप दूसरी तरफ देखिए, अगर मैं मर जाता हूं तो मरने के बाद में ये सड़ाना गलाना ये नेचर प्रकृति का काम है, अब ये जीव का काम है। मरा हुआ आदमी क्या ये बोल सकता है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बना सकता है? नहीं बना सकता। तो मरा हुआ, मरे हुए को अगर हम जीव के समान समझें, हमने तुलना जीव की दी है कि जीव कुछ कर नहीं सकता, अब मरा हुआ आदमी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो अगर कल को हमको कहे कि हमारे अंदर प्राण नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है। हमारे प्राण जो स्पंदन था मेरा परमात्मा के साथ, वही स्पंदन हटा है, बाकी मेरे अंदर प्राण है, अगर प्राण नहीं होता तो मेरी लाश फूलती कैसे, वायु तो है, तो उसमें प्राणों की अपने अपने प्रकार है। तो ये चीजें नहीं है कि जीव भी अपने में चेतन की प्रक्रिया में, मगर उतनी मात्रा में उसकी चेतन नहीं है कि वो ये सब ताम झाम बना पाए, इनके लिए ये बाहर की ये लेकर के बनाता है। तो हमने योगिक साइंस के माध्यम से ये चीजें समझाने का प्रयास किया था, पहले भी हमने बताया था, और ये श्लोक हमारे योगिक साइंस के आधार पे बिल्कुल सटीक बढ़िया बैठते हैं। इससे अच्छा हमने बहुत सारे बनाए, उसका अनुभव सत्येंद्र को है, वो आपको इंग्लिश में बताएंगे कि ये किस तरीके का है, उन्हें बहुत सारा नॉलेज है इस चीज विषय में। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट एग्जैक्टली दिस टू वर्सेस, दिस टू श्लोकास आर कन्वेइंग। You see, there are four things in these two shlokas. The first is, the Lord Krishna is saying there are two eternal elements which are the real cause of this whole cosmos. One he is referring to is called Prakriti, and second one is Purusha. Prakriti means the primordial matter, that is Prakriti. And what he is referring to as Purush. Purush means the pure consciousness, energy of consciousness, right? According to yogic science, we have already explained that the first principle, okay, these two, Prakriti and Purush, okay, these two components are the integral elements of the one. That is why
these two components, these two elements are eternal, because one is eternal, right? Okay, just imagine a human being. Okay, me and my organs are one. Okay, if I am eternal, my organ will also be eternal. Similarly, these two components are the components of the one, the origin, the mool. That is why they are anadi, they are eternal, because one is eternal. So this is very clear, okay, from the yogic science point of view. Second thing, what Lord Krishna is saying, that whatever is happening, whatever is being constructed, constituted, whatever is being maintained, whatever is dying, okay, all these things, all these events are happening within the Prakriti, right? And in the Prakriti, there are three things which the Lord Krishna is saying, the Karan. Okay, Karan means components. So within Prakriti, within the Prakriti, there are three things. There are three currents, components, or the constituting elements. Okay, one is called Sakar. Okay, the second is called the Nirakar, the transparent. And the third component is the Jivatma. Jivatma. Okay, so these three are the basic components by which all kinds of events, all kinds of systems will be created. Okay, they will be created, they will be maintained, and ultimately they will be dissolved. Again, they will be created, and so on. Okay, so I mean, the whole creation will just keep on happening. Okay, so it is because of these three elements. But friends, one thing is missing, okay, which is not clear in these two sutras. Okay, that is, no creation can happen without the, you can say, without the energy, without the four types of energy, okay, or four systems of energy of the Purusha, of the Purush. Okay, all the Purush is, or the pure consciousness is outside of the whole Prakriti. It does not touch the Prakriti. But because of its own dynamics, four types of systems are, you can say, they are received by the Prakriti. Okay, you see, there are four things in the energy of consciousness, or in the Purush. Okay, that is the that is its gati, its velocity. Okay, then due to the velocity, the energy, then light, okay, and sound. So these four things are there. So because of the mere presence of the Purush, these four things are transferred in the Prakriti, or Prakriti receives these four qualities of the Purush, which is outside of the Prakriti. And because of these four things, means light, sound, the tremendous energy, and its tremendous velocity. Okay, so because of these four things, the Jivatma is able to do something. Okay, first thing, the experience of its presence, means experience of the presence of the Jivatma, it arises out due to these four things: the tremendous energy, velocity, light, and sound. Okay, so these four qualities, okay, which are received by the Prakriti, okay, from the Purush, from the presence of the Purush. Okay, so all the Jivatmas, okay, they are just involved in all kinds of creation because of these four kind of energies which are due to the Purusha. Okay, second thing. Then thirdly, in these two sutras, the Lord Krishna is saying the sense of, you can see, the sense of pain, or the sense of pleasure, okay, sukh and dukh, the sense of pain and pleasure is experienced by Purush. No,
not by Purush. It is experienced due to the presence of the Purush. Okay. Bhagavan is using a word hetu. Hetu means the cause. Okay. Not exactly Purush, but cause. Nimitta karan. Okay. So that Purush is only the cause. Okay. So whatever is being experienced, it is being experienced by the Jivatma itself, but due to, okay, because of these four kind of energies, okay, because of the light, sound, tremendous energy and tremendous velocity of the Purusha, okay, which is being experienced by the Prakriti or which is being received by the Prakriti, right? So in this way, we can understand how the whole creation is happening within the Prakriti. Okay, so creation is being done within the Prakriti and by the components of the Prakriti, but the real cause is the system of four things: the light energy, the sense of energy, sound, okay, and the tremendous velocity of the Parma, of the Purush, okay, which is outside the whole Prakriti. So first, if we understand these three or four things very clearly, okay, means if you can understand from your heart, okay, then everything will be clear. And we can understand, we can decode these two sutras very clearly, okay, and it will give you a tremendous understanding, right? And by which you can understand all kinds of systems, okay, in this whole cosmos, right? And tremendous, always the real understanding, the real understanding always gives you the sense of, you know, confidence, the sense of wisdom, okay, etc., the sense of peace, right? So understanding is the key. So if we understand these systems by which the whole creation is just taking place, okay, and what are the different components, what are the causal component, what are the real components, okay, so in this way we can understand. So hopefully you must have understood these two sutras, okay, to some extent. Okay, I know these sutras are not very easy to understand, okay, it will take some time for you to understand. And if you watch this episode over and over again, and if you can think on your own, right, you can observe, okay, without any biasness, okay, then of course this kind of understanding will dawn upon you. Thank you, friends.